नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आने वाले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड के महोबा दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम अर्जुन सहायक परियोजना समेत कई योजनाओं की सौगात देंगे, जिसको लेकर उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर के जरिए शुक्रवार को 2:05 पर वो खजुराहो प्रस्थान करेंगे और 2:35 पर पुलिस लाइन पर बने हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे, जिसके बाद 2:40 पर वो निकलेंगे और 2:45 पर कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। इसके बाद कार्यक्रम को 1 घंटे यानी कि 3:45 तक संबोधित कर कई परियोजनाओं की सौगात वो देंगे, जबकि आपको बता दें उसके बाद 3:50 पर प्रस्थान कर 3:55 पर हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे और 4 बजे हेलीपैड से प्रस्थान कर जाएंगे। तो ऐसे में महोबा दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां पर करीब कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी वो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्वी लद्दाख के रेजांग लाओ में नए सिरे से बने युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। यहां भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीन की सेना का वीरता से मुकाबला किया था। यह स्मारक उन वीर भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने रेजांग लाओ की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि स्मारक के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री के साथ जाएंगे। हालांकि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे रेजांग ला में कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो इसराइल की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। तो ऐसे में पूर्वी लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है, स्मारक का वो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, लद्दाख वो पहुंच भी चुके हैं और आज ही वो स्मारक का कुछ ही देर बाद उद्घाटन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के चुनाव अभियान, पार्टी के कार्यक्रमों और मुद्दों के आधार पर प्रचार अभियान की रणनीति बनेगी। साथ ही बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संघ के नेता भी शामिल होंगे। तो आज बीजेपी की ये अहम बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, जिसको लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए आज ये बड़ी और अहम बैठक दिल्ली में रखी गई है और चुनावी अभियान को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पर बौखलाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने तक की चेतावनी दे डाली। आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर झूठे आरोपों के बाद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर फरार है, वो उन आरोपों को साबित करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। आपने अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया है, आपने जो कुछ भी किया उसकी आपको कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ये बयान नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि अगले आम चुनाव में संभावित बीजेपी विरोधी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, ये कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को उनकी इच्छा अनुसार राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत भी है। बुधवार को लखनऊ की एक कोर्ट ने डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। दरअसल सपना चौधरी पर शो कैंसिल करते और दर्शकों के पैसे न लौटाने का आरोप है। आपको बता दें, इस मामले में एडिशनल चीफ
मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर पुलिस को आदेश दे दिया है कि अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट को सपना चौधरी के खिलाफ आरोप तय करने हैं, इसीलिए उन्हें कोर्ट में हाजिर रहना बेहद जरूरी है। इस मामले में अपने खिलाफ FIR लिखे जाने के बाद सपना चौधरी ने शिकायत को खारिज करने का आवेदन किया था, जिसके बाद में खारिज इसे कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सपना चौधरी मुसीबतों में घिरती हुई नजर आ रही हैं और विवादों में कहीं ना कहीं घिर रही हैं। दरअसल आपको बता दें, सपना चौधरी का एक शो होना था, उन्होंने शो कैंसिल कर दिया, लेकिन अब उनके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, लखनऊ कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है और दर्शकों के पैसे न लौटाने का आरोप उनके ऊपर लगा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है, कब तक वो कोर्ट में हाजिर होंगी? देखिए, पहले से इनका जो तय प्रोग्राम था उसको लेकर उन्होंने प्रोग्राम को कैंसिल किया है और इसकी वजह से यहाँ के जो प्रोग्रामर थे उन्होंने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। हालांकि आज संभावना ये जताई जा रही है कि सपना चौधरी पहुंचेंगी कोर्ट में और अपने खिलाफ जो उनके मुकदमे दर्ज हुए हैं उसके खिलाफ आवेदन दर्ज करेंगे। पहले भी उन्होंने दर्ज किया था लेकिन वो खारिज कर दिया गया था, क्योंकि मामला पूरा यही है कि इन्होंने जो प्रोग्राम को लेकर पैसे ले रखे थे, ना ही इन्होंने प्रोग्राम किया और ना ही इन्होंने पैसे लौटाए, तो इसके खिलाफ ही यहाँ पे जो प्रोग्रामर थे उन्होंने मामले को देखते हुए पूरी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि या तो सपना चौधरी खुद पहुंचे वहाँ पे प्रोग्राम को करे या फिर उनका पैसा लौटाए, तभी इस मामले की जो सुनवाई है यानी कि जो मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया वो वापसी ले सकते हैं। हालांकि इस मसले में सपना चौधरी का यही कहना है कि उनके तरफ से ना ही कोई पैसा लौटाया जाएगा और ना ही वो प्रोग्राम करेंगी और जो उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं उसके लिए वो उसके आगे के लिए लड़ाई लड़ेंगी। तो अब देखना ये होगा पारुल, थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगी सपना चौधरी, कोर्ट में हाजिर होंगी और अब देखते हैं कि किस तरीके से वो इस मामले को सुलझाती होगी। क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम तो वो नहीं करेंगे और ना ही पैसा लौटा पाएंगे। हालांकि बड़ा रकम है, बड़े रकम होने की वजह से सपना चौधरी के लिए अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोग्रामर जो है वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पारुल, चलिए ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में लखनऊ कोर्ट में सपना चौधरी के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। दरअसल शो कैंसिल करने और दर्शकों के पैसे न लौटाने का आरोप सपना चौधरी पर लगा है। करतारपुर कॉरिडोर खुल गया है। भारत से 28 सिखों का पहला जत्था बुधवार को वीजा मुक्त गलियारे का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचा और इनमें महिलाएं भी शामिल रहीं। आपको बता दें, आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 11 बजे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे जाएंगे। यात्रा पर जाने वालों को कोरोना के दोनों डोज लगे होने चाहिए या फिर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। ऐसे में भारत सरकार की ओर से कॉरिडोर फिर से खोले जाने के बाद पहले दिन यानी कि बुधवार को महिलाओं सहित भारत से 28 सिख करतारपुर साहिब पहुंचे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थानों की देखभाल की जिम्मेदारी आपको बता दें ट्रस्ट को दी गई है और इससे पहले मार्च 2020 में COVID-19 का प्रकोप शुरू होने के बाद तीर्थयात्रियों को स्थगित कर दिया गया था और इस तरह से 2500 से ज्यादा भारतीय सिख बागा सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे थे। ये सभी श्रद्धालु सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती पर आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही तीर्थयात्रियों ने गुरुद्वारे में कई घंटे बिताए और धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद वापस अपने देश लौट आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने को एक अच्छा घटनाक्रम करार दिया। कुरैशी ने कहा कि इस्लामाबाद में इस संसद के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, मैं पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के लोगों की ओर से सिख तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं। सिख तीर्थयात्री आज से इस कॉरिडोर से अपने पवित्र स्थलों के दर्शन कर सकेंगे।